वनकम नमस्ते सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका बैकपैकर मेलचिस। तो अभी 3 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ सिटी का मेन अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने, थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करने, यहाँ का मेन स्ट्रीट को एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को भी वर्चुअली ट्रैवल करवाऊंगा। उसके पहले मुझे आप लोगों को एक चीज दिखाना है। ये मैंने कल अपना लॉन्ड्री करवाया था, मतलब इतना बड़ा लोड है, बहुत ज़्यादा कपड़े थे इसमें, बट इसका इन्होंने सिर्फ चार्ज किया 700 दिनार, विच इज़ वेरी लेस। अगर मैं सिर्फ इनको 3-4 कपड़ा भी देता तो भी 700 दिनार ही चार्ज करते, लोड का 700 दिनार ही था। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इनको कपड़े दे देंगे, वही सब कुछ करके आपको लाइक इट दे विल वॉश, दे विल ड्राई और सब कुछ होने के बाद आपको ला के दे देंगे। तो मतलब मुझे कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ा यार, अभी मतलब एक 15-20 दिन के लिए टेंशन है ही नहीं। और बाहर एक आदमी खड़ा है लाइक उनके पास बहुत सारा नोट है, तो मुझे बोल रहे थे लाइक मेरा रिकॉर्ड करो वीडियो, तो मैं जाके उनका पहला वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हाउ मच मनी इज दैट? 30 euros. I'm 30 euros. लाइक हाउ मच दिनार्स? इज लाइक दिस इज वन ऑफ दिस ब्लू इज वन विद वन ऑफ दिस 1 euro ऑलमोस्ट $1. ओके, सो दिस वन 12 ऑफ दिस येलो इज 1 euro. 1 euro. Okay, so I collect all this, so looks like I'm rich. Like you are looking like a billionaire. Billionaire only with paper. This is Serbia money. Yes. Yeah. In Serbia you can be a millionaire. With not paper only. So you are from Serbia? From Peru. Peru, okay. Yes. So if you go to the ATM, you can feel rich like this. Yeah, definitely. You are looking But it's not that much. It's a huge amount of money. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द सिटी सेंटर। ऐसे लग रहा है मैं एक ही मेंबर हूँ जो इस हॉस्टल पे स्टे किया हूँ। कल से देख रहा हूँ ये पूरा खाली पड़ा है। मैंने यहाँ के ओनर को भी पूछा कि मतलब यहाँ पर तो बार है तो वो बंद क्यों है। यूजुअली समर के टाइम पे यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो समर के टाइम पे ना बार वगैरह चालू रखते हैं लोग। ये एक्चुअल में ना एक पार्टी हॉस्टल है, एक्चुअल में कोई नहीं है अंदर, सिर्फ मैं एक ही हूँ, मतलब मेरे फ्लोर में मैं एक ही हूँ और बाकी फैमिलीज वगैरह स्टे की है, तो फैमिलीज वगैरह तो पार्टी नहीं करते। तो कल का टेम्परेचर थोड़ा अच्छा था, कल ना एकदम परफेक्ट वेदर था। मेरे हॉस्टल के स्टाफ भी बोल रहे थे कि मतलब येस्टरडे वॉज दी परफेक्ट वेदर, अगेन इट्स लाइक वेरी कोल्ड। अभी सिर्फ 3 बज रहे एंड इट्स अराउंड 6 degrees, तो थोड़ा बहुत हाथ भी फ्रीज होना शुरू हो गया है, इसलिए जाके फटफट शूट करके रिटर्न भी आना है। वो ट्रक का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, मैं देखा ही नहीं, मुझे थोड़ी पता कि मेरे लिए हॉर्न बजा रहा है, मुझे लगा रोड पे कोई गाड़ी के लिए बजाता होगा। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे बोल रहा है कि मतलब कैप्चर मी इन दी वीडियो और पोज दे रहा था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे। तो गाइस मैं फिलहाल खड़ा हूँ यहाँ के फ्रीडम स्क्वायर पे, जो मेन अट्रैक्शन है। जैसे बेलग्रेड में रिपब्लिक स्क्वायर था, वैसे नोविसाद में फ्रीडम स्क्वायर। तो इसके पीछे की छोटी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ। इसका जब 18th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ था तो इसका नाम था TRG स्लोबोदे, और उसके बाद इसका नाम कई सारे टाइम्स चेंज किए गए थे। बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसका नाम था लिबरेशन स्क्वायर, देन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फाइनली इसका नाम पड़ा फ्रीडम स्क्वायर। बट आज भी ना लोग इसको TRG स्लोबोदे यही नाम से कहते हैं। गूगल में भी आप जब फ्रीडम स्क्वायर सर्च करोगे ना तो जल्दी आपको ये वाला लोकेशन नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू सर्च TRG स्लोबोदे तो इस स्पॉट का आपको लोकेशन दिखाएगा। बेलग्रेड का रिपब्लिक स्क्वायर है, उससे थोड़ा बड़ा है, एंड दिस स्क्वायर इज द मेन पार्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियन रोड। आप देख सकते हो इस स्क्वायर के मतलब चारों साइड स्ट्रीट है, उस साइड भी स्ट्रीट है, इस साइड स्ट्रीट है, एंड इस साइड भी स्ट्रीट है, देन अगेन हियर स्ट्रीट है। तो मतलब यहाँ पर ना लोग अक्सर, आप कहीं पे भी जाओ, आप ऑफिस जाओ या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, आप इसी स्क्वायर से गुजरोगे। तो मतलब ये एकदम हैपनिंग प्लेस है लाइक ड्यूरिंग समर, बट ड्यूरिंग विंटर यहाँ पर हार्डली लोग दिखते हैं। मैं नाइट का भी यहाँ पर शूट किया हूँ, उसका क्लिप मैं लास्ट में डालता हूँ, बट दिस प्लेस नाउ यू कैन सी। आज वैसे भी मंडे,
इट्स फुली एम्प्टी नाउ. कुछ तो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चालू है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पर आके आप अच्छा फोटो शूट कर सकते हो अगर आप वीकडे पे आते हो. अगर वीकेंड में आते हो तो थोड़ा बहुत भर जाता है, बट विंटर सीजन में डोंट एक्सपेक्ट मच पीपल ओवर हियर. गाइस मेरे पीछे जो है ये है द नेम ऑफ द मेरी. इसको मतलब इसका चर्च का नाम ही है द नेम ऑफ द मेरी, और यहाँ के लोकल्स इसे द कैथेड्रल इस नाम से भी इसे बुलाते हैं. बट गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो इसका नाम है द नेम ऑफ द मेरी. ये एक रोमन कैथलिक चर्च है एंड दिस इज द लार्जेस्ट चर्च ऑफ सर्बिया, और ये एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है नोवी सैड का. एंड दिस चर्च वॉज डेडिकेटेड टू द फीस्ट ऑफ द होली नेम ऑफ मेरी. अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आता रहेगा तो इग्नोर करो, अभी पीछे काम वगैरह चालू है इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है. अभी क्या ही कर सकता हूँ, इतना एम्प्टी मिला है तो खुद का थोड़ा वो शॉट्स भी निकालने मिल रहा है. अगर यहाँ पर आप देख सकते हो लोग ने बॉर्डर लगा दिया है, लाइक नोबडी कैन एंटर, बट मैं ऐसे अंदर आ गया हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. यहाँ पर है ना कुछ तो फंक्शन होने वाला है शायद, बिकॉज कल जब मैं आया था तब ये सब नहीं था, आज ये लोग लगा रहे ये सब. मे बी समथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर. और स्क्वायर पे ना लोग अक्सर 360 डिग्री का व्यू एंजॉय करने आते हैं, तो इसको 360 डिग्री स्क्वायर भी कहते हैं. और यहाँ पर अभी सीन लिट अप होना शुरू हो गया, आप देख सकते हो. आई मीन मोर इट्स गेटिंग डार्क द मोर दे आर लिटिंग इट अप, और रात को ये और भी ब्यूटीफुल दिखता है यार. मैं आपको वो भी सीन दिखाता हूँ. मेरे पीछे H&M, ये दिखने में तो एकदम ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग लगता है, बट दिस इज वन ऑफ द प्रीटीएस्ट H&M इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के टॉप 5 ब्यूटीफुल H&M में से ये एक है. यहाँ पर लोग अक्सर शॉपिंग तो नहीं करने जाते, बट इसके सामने जरूर फोटोशूट करने जाते हैं. एंड दिस इज द फेमस सेल्फी पॉइंट. मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत दिखता है. अगर यहाँ पर H&M का बोर्ड लगाने होता तो कोई बोलेगा भी नहीं कि ये H&M का शॉपिंग मॉल है, बिकॉज फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स सो प्रीटी. तो गाइस मैं इसमें से कुछ खरीदो सोच रहा हूँ. मुझे ये पसंद आया. इज दैट अ मैग्नेट और दिस वन? दिस वन इज अ मैग्नेट. ओके ओके. या मैग्नेट मैग्नेट गोमी. नो कैरमबोल. No carambol, може бачити, не проблема. Okay, okay, understood. If you drop, then it is gone. Thank you. तो कोई भी सिटी जाते हो उसके यादगार में कुछ तो लेना पड़ता है. तो यूजुअली ना मैं ऐसे कुछ मैग्नेटिक बैच जैसा ले लेता हूँ, घर पे कबोर्ड या फिर कहीं पे फ्रिज पे लगा दूंगा. वहाँ पर जितना भी आइटम था सबका प्राइस 200 दिनार ही था यार. 200 दिनार मतलब 140 या 150 रुपए के आसपास ही होगा. एंड द स्ट्रीट इन विच आई एम वॉकिंग इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल. मैं आपको दिखाता हूँ. और विंटर के टाइम में ये एक प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर आप ठीक से फोटो भी नहीं निकाल सकते, और एक ही जैकेट पहन के पूरा ट्रिप निकालना पड़ रहा है. नो मैटर कितना भी कपड़ा लाया बट सब कुछ वेस्ट हो रहा है. शर्ट्स भी लेके आया था मैं, बट एवरीवेयर इट्स विंटर. तो कई ट्रिप के पहले बहुत सारा शॉपिंग किया था बट कुछ भी पहनने नहीं मिला. ये पूरा जो स्ट्रीट था जहाँ से मैं अभी वॉक करके आया, इस स्ट्रीट का नाम है दुनाउस्का स्ट्रीट. और पहले ना यहाँ पर स्ट्रीट नहीं था, इस स्ट्रीट के दोनों बाजू में सिर्फ बार से और बीच में ब्रिज था. इसका भी नाम उस फ्रीडम स्क्वायर के जैसे बार बार चेंज किया इन्होंने. देन फाइनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इसका नाम दिया गया है दुनाउस्का स्क्वायर. और यहाँ के जो पूरे बिल्डिंग थे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, ये सब 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसीलिए ये अब भी थोड़ा ओल्ड वाली वाइब्स देती है. मैंने जो आपको H&M बिल्डिंग दिखाया वो भी इसी स्ट्रीट में, दैट्स व्हाई इट लुक्स सो प्रीटी. एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट यू आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को जूम करके वो दिखाता हूँ. यहाँ का है ना सारा बिल्डिंग्स को है ना पेस्टल शेड से पेंट किया गया है, सो दैट इज द रीजन इट इज लुकिंग सो अट्रैक्टिव. एंड ऑल्सो ये पूरा 19th सेंचुरी की बिल्डिंग्स यार. इन्होंने इसको कुछ रेनोवेट ही नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत इसको मॉडर्नाइज किया है इंटीरियर वाइज, बट बाहर इन्होंने ऐसे ही रखा है. एंड दैट मेक्स दिस प्लेस मोर स्पेशल. तो अभी यहाँ पर डार्क होना शुरू हो गया है, लाइक इट इज जस्ट 4:30 एंड सीन लेट अप होना शुरू हो गया. आप देख सकते हो सारे LED
लाइट सब कुछ अभी जल रहा है। इस स्ट्रीट में पूरे कैफेज रेस्टोरेंट्स बार दिखेंगे, बट फिलहाल है ना यहाँ पर थोड़ा लॉकडाउन का चक्कर है। बेलग्रेड में तो सब कुछ ओपन था, बट यहाँ पर कुछ लॉकडाउन का सिलसिला चालू है। लेना काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होते नहीं है। मैं कल आया था यहाँ पर नाइट लाइफ शूट करने, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद था। मतलब बार्स वगैरह चालू था, उसमें भी लाइक हार्डली 3 या 4 लोग ही बैठे थे। ये सब चालू ही रहता है, आप देख सकते हो ये पूरे जो स्ट्रीट में जितने भी कैफेस है सब कुछ चालू रहता है, और यहाँ पर हार्डली 5 या 6 लोग ही दिखते हैं। बिकॉज ठंड इतना है ना कि लोग बाहर बैठना प्रीफर करते भी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सीन डल है फिलहाल। और आज तो मंडे है, तो मंडे यू कांट एक्सपेक्ट दी सिटी टू बी पार्टिंग, तो आज पब्लिक नहीं रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पर नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो बेटर लॉकडाउन के बाद ही आ जाओ। बेलग्रेड में नाइट लाइफ का सीन थोड़ा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नोवी सैड, तो मैं आपको ना नाइट लाइफ बेलग्रेड का ही दिखाता हूँ। अगर यहाँ का दिखाऊंगा तो द वीडियो विल बी काइंड ऑफ बोरिंग, इट विल बी वेरी डल। हाय ब्रो, व्हाट्स योर नेम? इवान। इवान, वेयर आर यू फ्रॉम? नोवी सैड। यू स्पीक इंग्लिश? यस। दैट्स, एंड व्हाट्स योर नेम? मेदी। मेदी, यस। यू यूट्यूबर? या। से हाय। हाय। Your YouTube channel? Yeah. You will be on YouTube. You will be my thumbnail. Thumbnail? Yeah. I will upload it after 1 week. Yeah. Thank you bro for subscribing. Okay. Okay. See you, take care. Bye. See you. यहाँ पर लोग ऐसे रैंडमली आके बात करते तो अच्छा लगता है, बाकी के लोग तो स्टेयर ही करते हैं। आप देख सकते हो अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, लाइक पीपल आर स्टेयरिंग लाइक हेल। बहुत ज़्यादा स्टेयर करते हैं, बट कोई कोई लोग आके ऐसा कैमरा में हाई बाई कर देते ना, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है। लाइक हाउ दिस स्पेस लुक्स ड्यूरिंग नाइट, मैंने उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट्स निकाला है तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वॉच दैट क्लिप इन 1, 2 एंड 3। और यहाँ फाइनली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लाइक मेरा हॉस्टल से यहाँ आने तक आई डिडंट इवन सी लिटल मोर देन 5 to 6 पीपल। और यहाँ पर आई कैन से दिस प्लेस इज काइंड ऑफ वाइब्रेंट एंड बहुत हैपनिंग है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सर्बिया में ना सब जगह पैसा कायोस दिखेगा, ये लाइक यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर मिलेगा एंड मतलब ज़्यादा करके यहाँ पर लोग स्मोक करते हैं यार, यहाँ पर नहीं मतलब कोई भी यूरोपियन कंट्री में करते हैं। मैंने रशिया में भी देखा और यहाँ पर भी, मतलब 80% ऑफ द पीपल हैव सिगरेट इन देयर हैंड। तो यहाँ पर मतलब सिगरेट का शॉप्स, मतलब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर आपको मिलेगा और ये हर 500 मीटर में आपको दिखेगा। और ये तो मेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा स्ट्रीट। गाइस मेरे पीछे जो ब्रिज है, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डालता हूँ। कल ये ब्रिज के यहाँ पर ना एक छोटा सा मतलब डॉग था, डॉग को रख के कोई तो भीख मांग रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब लोग अक्सर लोगों को क्या लगता है, लोगों को थोड़ा क्यूट लग रहा था और लोग मतलब पैसे डाल भी रहे थे, बट मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के कि मतलब कोई तो कुत्ते को ट्रेनिंग दिया, कोई तो डॉग को अच्छे से ट्रेन किया एंड दे मेड दैट डॉग सिट देयर और उसको मतलब स्वेटर वगैरह पहनाया और उसके बाजू में वो मतलब बॉल रख दिया। तो लोग आ रहे पैसे डाल रहे और 5-10 मिनट के बाद वो आदमी आ रहा है और सब पैसा ले रहा है, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। सर्बियन नियत, ओनली इंग्लिश। चीज़, ओके ओके। भाई यहाँ पर ना बहुत लैंग्वेज बैरियर है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे चीज़ का कोई भी पूरे दे दो। तो भाई ये टेस्ट कैसे आप लोगों को बताता हूँ मैं बाइट लेके, इसमें चीज़ है कि नहीं। चीज़ तो नहीं है बट शायद से बटर है उसमें, और सुबह 70 दिनार का है। 70 दिनार मतलब 45-50 रुपीज़ के आसपास, विच इज़ वेरी चीप। तो जैसे ऐसा स्नैक आइटम लिया है, मैं अपना लंच और डिनर के लिए नहीं लिया हूँ। आई होप टुडेज वीडियो मेड यू फील सम गुड वाइब्स, सो दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई वाइंड अप दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर दिस 1200 सब्सक्राइबर फैन। ये वीडियो अपलोड करूँगा तब कितना होगा पता नहीं, बट राइट नाउ इट्स 1200, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड
continue your love and support, and I will try to deliver you some good content. So guys, if you have spent your precious time watching this video till here, then don't forget to hit the like or the dislike button. Also, do suggest your thoughts in the comment section. As usual, dream bigger, achieve bigger, and stay away from negativity. Having said that, signing off, aapka backpacker Mel Cheese.